हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 16th of January 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले वीडियो के बारे में, तो कल के दिन हमने बनाया था HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट जो यहां पर प्रेजेंट हुए उसके बारे में। उनसे भी पहले एक FMCG मेजर बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके भी Q3 के रिजल्ट आए थे, उसका एनालिसिस किया। और उनसे भी पहले Top 10 बैंक ऐसे दिए उसमें जो है हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाई दे रहा था। और उनसे भी पहले कुछ जैसे यहाँ पर Nifty 50 के कुछ दमदार शेयर के बारे में यहाँ पर एक तरीके से एनालिसिस किया। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर लेटेस्ट और जेन्यून इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक तरीके से निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया गिरावट दिखाई दी थी, कोविड की क्लैरिटी यहाँ पर नहीं निकल करके आ रही थी उसके बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी निकल करके आ रही है कि यहाँ पर जो पीक आने वाला है कुछ यहाँ पर जनवरी के एंड में या फिर February 15 तक, उसके बाद जो मार्केट में यहाँ पर न्यू नॉर्मल होने वाला है, यानी कि मार्केट जो अपने आप में नॉर्मलाइज होता जाएगा। तो उसको जो मार्केट ने यहाँ पर पहले ही कंसीडर कर लिया था और वहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली। अभी जो न्यूज़ निकल करके आ रही है तो उसमें जो यहाँ पर मार्केट अपने आप को यहाँ पर एक तरीके से पहले ही एडजस्ट करने लगता है। तो अभी जो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सेक्टोरल इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है, तो हम देखेंगे कि पिछले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कि कितनी जो यहाँ पर एनर्जी के सभी सेक्टर और इंडेक्स में यहाँ पर किस टाइप की तेज़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर उसमें हमको जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेक्टर होंगे उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सेक्टर पर दाव लगाने से आपको थोड़ा सा यहाँ पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो हम उसके बारे में डेफिनेटली एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पे और हम देखते हैं कि किस टाइप की वहाँ पर सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं investing.com की वेबसाइट पे और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टोरल इंडेक्स। सो फ्रेंड्स, आप उन सभी सेक्टोरल इंडेक्स को यहाँ पर डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज में यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है, और फिर 1 मंथ और ईयर टिल डेट जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो सबसे कम रिटर्न वाले यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर सेक्टर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मैं जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पिछले 1 वीक में जिन सेक्टर में यहाँ पर तेजी दिखाई दी वो सबसे ऊपर आते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो दिखाई दे रहा निफ्टी रियल की, उसमें ऑलमोस्ट 4.90% यानी कि 5% जितनी तेजी देखने को मिली। उसके बाद दूसरा है निफ्टी स्मॉल कैप 100, तो आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि पिछले 1 वीक में वहाँ पर बढ़िया रिटर्न दिखाई दिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक तरीके से ईयर टिल डेट और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे रिटर्न थोड़े कम दिखाई देंगे दूसरे सेक्टर के कंपेरिजन में। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्टर आता है यहाँ पर निफ्टी मीडिया, तो यहाँ पर उसमें भी 3.28% जितनी तेज़ी दिखाई दी पिछले 1 वीक में। और उसके बाद निफ्टी मेटल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली 3.28% जितनी ऑलमोस्ट, जो कि आपको टोटली विजिबल है। उसके बाद निफ्टी ऑटो आता है, तो उसमें भी बढ़िया तेज़ी दिखाई दी पिछले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 3.12% की, जो कि अपने आप में शानदार रिटर्न है 1 वीक में यहाँ पर 5% के रिटर्न। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप 100 में भी 2.82% जितनी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं अगर निफ्टी 50 हमारा सबसे फेवरेट इंडेक्स, तो यहाँ पर उसमें 2.49 यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% जितनी तेज़ी दिखाई दी पिछले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2022 का ईयर अभी स्टार्ट हुआ और उसके 15 दिन ही यहाँ पर एक तरीके से निकले हुए हैं, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है सभी इंडेक्स में। उसके अलावा यहाँ पर सबसे और फेवरेट तो यहाँ पर सेक्टर है निफ्टी IT का, क्योंकि आप उसको यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसमें भी 1.80% जितनी तेज़ी दिखाई दी। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो उसमें भी बढ़िया तेज़ी दी 1.67% की। और उसके बाद निफ्टी फार्मा की बात करते हैं तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर बहुत ही हॉट सेक्टर रहा है फार्मा, क्योंकि यहाँ पर कोविड और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी यहाँ पर इमर्ज हुई, तो उसमें जो यहाँ पर 0.77% जितनी तेज़ी दिखाई दी पिछले 1 वीक में।
और निफ्टी एफएमसीजी अकेला ऐसा सेक्टर आया फ्रेंड वहाँ पर जो थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है 0.13% की, यानी कि मैं इसको गिरावट नहीं मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ये गिरावट है तो उसको यहाँ पर बात करना ज़रूरी बनता है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं यहाँ पर वन मंथ के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर भी आप उसको जो चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो यहाँ पर 1.5% से यहाँ पर 9% जितनी तेज़ी देखने को मिले डिफरेंट सेक्टर में जो कि आपको टोटली विजिबल है। उसमें निफ्टी 50 में फ्रेंड्स बात करते हैं मेजर की, तो उसमें भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7.48 यानी कि 7.5% जितनी तेज़ी। निफ्टी आईटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी तेज़ी दिखाई दी यहाँ पर 5.95 यानी कि ऑलमोस्ट 6% जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर मैं मेजर सेक्टर की बात करता हूँ। तो उसमें निफ्टी यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं ऑटो की, तो उसमें भी तेज़ी दिखाई दी 9.3% बहुत ही बढ़िया बात है पिछले वन मंथ में क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखने मिली थी पिछले कुछ एक दो महीनों से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मार्केट इस चीज़ को पहले से एडजस्ट कर रहा है और अभी फिलहाल यहाँ पर तेज़ी क्रम यहाँ पर वापस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर इस बात को यहाँ पर देख के यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिएगा क्योंकि यहाँ पर उठा पटक तो यहाँ पर रहने ही वाली है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सोच के करना होगा, तो आप उसको जो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही थी जिसको जो हमने आपके साथ शेयर किया और आपके नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।